नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ मुस्कान अजवानी। चलिए रुक करते हैं 75 जिले की 75 बड़ी खबरों की ओर। निकाय चुनाव में हार के बाद अखिलेश का बीजेपी पर निशाना, बोले बीजेपी ने की बेईमानी की सारी हदें पार। पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई से सर्वे की याचिका को जिला कोर्ट की मंजूरी, अब 22 मई को होगी अगली सुनवाई। फतेहपुर में बड़ा हादसा, ऑटो सवार 8 लोगों की मौत, 2 घायल, मची चीख पुकार। यूपी में अगले 2 दिनों तक आंधी बारिश की चेतावनी, कई जिलों के लिए येलो अलर्ट भी जारी। तमंचे पर डिस्को अशरफ के गुर्गे फुरकान और उसके साथियों पर मुकदमा दर्ज, बर्थडे पार्टी में की थी ताबड़तोड़ फायरिंग। रात 1 बजे तक दोस्तों संग पार्टी, फिर प्रेमिका को वीडियो कॉल कर दी जान, युवती ने युवक के दोस्त को किया मैसेज। मुख्यमंत्री योगी बोले तहसीलों की कार्यप्रणाली में व्यापक सुधार जरूरी, समय सीमा के भीतर हो काम। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए जमीन का सीमांकन करने पहुंची टीम पर पथराव, कई पुलिसकर्मी भी घायल। फूलपुर तहसील के रजिस्ट्रार कानूंगो की सड़क हादसे में मौत, ट्रक ने बाइक में मारी थी टक्कर। आशिक मिजाजी पड़ी भारी, प्रेमिका संग रोमांस करते पकड़ा गया पति, पत्नी ने किया हंगामा, आरोप प्रत्यारोप का चला दौर। फरीदाबाद में कंपनी के छत पर अचानक लगी आग, कर्मचारियों में मची भगदड़। गाजियाबाद में फौजी की नाबालिग बेटी ने की आत्महत्या, नाबालिग से रेप और ब्लैकमेलिंग का मामला, विशेष समुदाय के लड़के ने बनाया अश्लील वीडियो। तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवारों को रौंदा, हादसे में 3 लोगों की दर्दनाक मौत, मृतकों के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। लैब टेक्नीशियन की धारदार हथियार से निर्मम हत्या, बंद कमरे में मिली लैब टेक्नीशियन की लाश। रायबरेली में शादी समारोह के दौरान मारपीट, मारपीट के दौरान कई लोगों को आई चोटें, पुलिस कर रही मामले की जांच। वाराणसी में देव दीपावली जैसा होगा G20 समिट का आयोजन, विदेशी डेलीगेट्स के साथ 5 बैठक होगी, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद। गोंडा में बीजेपी विधायक पर लगा धांधली का आरोप, फर्जी तरीके से वोटिंग कराने का लगा आरोप। कानपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंगों ने युवक को बेरहमी से पीटा, दबंगों ने युवक को 100 से ज्यादा बेल्ट मारे। कुशीनगर में निकाय चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी ने दर्ज की जीत, बीजेपी सपा और बसपा प्रत्याशियों को दी कड़ी टक्कर। लखनऊ में दबंगों के हौसले बुलंद, ठेकेदार ने युवक को बेरहमी से पीटा, मारपीट का वीडियो वायरल।
बुलंदशहर में महिला पहलवानों के समर्थन में भाकियों कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस, हाथ में तिरंगा और मशाल लेकर जुलूस में शामिल हुए दर्जनों कार्यकर्ता की नारेबाजी। बुलंदशहर में 80 वर्षीय वृद्ध महिला की लूट के बाद हत्या, मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, मामले की जांच पड़ताल में जुटी। चंदौली में अज्ञात वाहन ने ऑटो को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में 5 लोग गंभीर रूप से घायल, सभी घायलों को नजदीकी अस्पताल में कराया गया भर्ती। फरीदाबाद में आंधी और तूफान से मचा कोहराम, करीब 80 फीट ऊंचा पेड़ श्रीराम गैस एजेंसी पर जा गिरा, बिजली आपूर्ति बंद होने से लोगों में रोष दिखा। गाजियाबाद में दूसरे दिन भी वकीलों की हड़ताल जारी, वकीलों ने एक बार फिर गाजियाबाद कमिश्नरेट का किया घेराव, पुलिस बैरिगेटिंग को भी किया तोड़ने का प्रयास। कानपुर में युवक को बीच चौराहे पर किया गया गंजा, नाम बदलकर लड़कियों को करता था परेशान, युवक का नाम बताता था राजा। लखनऊ में जीत का ऐसा जश्न कि निर्दलीय प्रत्याशी को पीटने पहुंचे बीजेपी प्रत्याशी, भाजपा से जीत हासिल कर निर्दलीयों को पीटने पहुंचे थे प्रत्याशी शैलेंद्र वर्मा। लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट और डीसीपी के निर्देशों के तहत चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान, लगभग सभी थाना क्षेत्रों में हर एक घंटे में पॉइंट बदलकर चल रहा है वाहन चेकिंग अभियान। लखनऊ में यूपी कैडर के आईपीएस दीपक रतन साहब का असामयिक हुआ निधन, पुलिस महकमे में शोक की लहर, अभी सीआरपीएफ में तैनात थे। लखनऊ में गर्मी का प्रकोप जारी, 20 मई से 15 जून तक विद्यालयों में होगा ग्रीष्मकालीन अवकाश, बेसिक शिक्षा परिषद ने दिया आदेश। लखनऊ में चटोरी गली के पास दो गुटों में हुई जमकर हाथापाई, चटोरी गली बनी WWF फाइट का अखाड़ा, तमाशबीन बने रहे लोग। लखनऊ में दबंगों में नहीं रह गया है पुलिस का खौफ, अंबरगंज चौकी से मात्र 10 कदम की दूरी पर चले लात घुसे दो पहिया वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में हुई मारपीट। लखनऊ में नहीं थम रहा दबंगों का आतंक, ठेकेदार ने की युवक की लाठी डंडों से पिटाई, बीच रोड पर मारपीट का वीडियो भी हुआ वायरल। लखनऊ में असलहे का प्रदर्शन करते युवक का वीडियो हुआ वायरल, शादी समारोह में अवैध असलहे के साथ वीडियो आया सामने, युवक ने डांस के बाद वीडियो बनाकर किया वायरल। प्रतापगढ़ में बेखौफ हुए बदमाश, सरेआम एक युवक को मारी गोली, आनंद फानंद में परिजनों ने घायल को पहुंचाया अस्पताल। गोंडा में गौ आश्रय केंद्र की बदहाली आई सामने, मृतक गौवंशों को ट्रैक्टर से घसीटने की तस्वीरें हुई वायरल, ट्रैक्टर से गौवंशों को घसीटते वीडियो आई सामने। मेरठ में डबल मर्डर से फैली सनसनी, दंपत्ति की धारदार हथियार से हत्या, इलाके में दहशत का माहौल, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया शव। शाहजहांपुर में 13 छात्राओं के साथ यौन शोषण करने वाला कंप्यूटर टीचर गिरफ्तार, इंचार्ज अध्यापक और सहायक अध्यापक को कर दिया गया निलंबित। लखनऊ में महिला की पिटाई पर दबंगों को पुलिस का सहयोग होने का आरोप, महिला के दबंगों ने की जमकर पिटाई, पुलिस पर संरक्षण देने का आरोप। अंबेडकर नगर में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25,000 का इनामी बदमाश मुठभेड़ में गिरफ्तार, शातिर बदमाश चांद मोहम्मद काफी दिनों से चल रहा था फरार। अंबेडकर नगर में हिजाब में दिख रही महिला के बेटे के साथ वीडियो आया सामने, सीएम योगी आदित्यनाथ से मदद की गुहार लगाने का वीडियो वायरल। औरैया में अज्ञात कारणों से छप्पर में लगी आग, आग लगने से मचो हड़कंप, मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम।
बुलंदशहर में कजरिया कंपनी में श्रमिक की मौत। कंपनी के गेट पर स्वजनों का रो रो कर बुरा हाल। मौके पर हुई दर्दनाक मौत। अब विदेश नहीं भाग पाएंगे अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन। यूपी पुलिस ने लिया बड़ा फैसला। हमीरपुर और बिजनौर में भीषण सड़क हादसा। एक बच्चे समेत 6 लोगों की मौत। रायबरेली में आग से बचाव के लिए किया गया मॉक ड्रिल कर दी आग से बचाव की जानकारी। अचानक दमकल कर्मियों को देखकर परेशान होने लगे लोग। रायबरेली में पेड़ से लटका मिला बच्चे का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। सहारनपुर में तिलक लगाने पर छात्रों को स्कूल में रोका गया। नाराज बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने किया हंगामा। छात्रों को आगे बिना तिलक या कलावा के आने की हिदायत दी गई है। औरैया में प्रत्याशी ने जनता के फैसले का किया स्वागत। भविष्य में दोबारा चुनाव लड़ने के दिए संकेत। राजकुमार दुबे ने नगर की जनता का समर्थन देने के लिए आभार जताया। औरैया में शौच के लिए गई किशोरी के साथ दुष्कर्म। मामले की जांच पड़ताल में जुटे पुलिस। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं। बुलंदशहर में महिला पहलवानों के समर्थन में मशाल जुलूस। भाग्यू कार्यकर्ताओं ने निकाला मशाल जुलूस। जुलूस में शामिल हुए कार्यकर्ताओं ने की नारेबाजी। वृद्ध महिला की लूट के बाद हत्या। हत्या से गांव में दहशत का माहौल। पुलिस ने एक संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया। फरीदाबाद में पुलिस प्रशासन के आदेशों की उड़ी धज्जियां। दुकान के बाहर खुलेआम पिलाई जा रही शराब। शाम होते ही महिलाओं का निकलना हो जाता है दुश्वार। गाजियाबाद में सीपी अजय मिश्रा के खिलाफ अधिवक्ताओं का प्रदर्शन। अधिवक्ताओं की हड़ताल जारी। भारी पुलिस बल को किया गया तैनात। गोंडा में भाजपा विधायक पर लगा धांधली का आरोप। फर्जी तरीके से वोटिंग कराने का लगा आरोप। जिला प्रशासन को शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई नहीं। सीएम योगी ने दी राज्य कर्मियों को सौगात। 4% महंगाई भत्ता वृद्धि के प्रस्ताव को मंजूरी दी। 9,00,000 कर्मचारी और पेंशनर्स होंगे लाभान्वित। लखनऊ में पुलिस ने चलाया सघन वाहन चेकिंग अभियान। अपराध पर अंकुश लगाने के लिए चेकिंग अभियान। बिना हेलमेट बाइक चलाने वालों का काटा गया चालान। प्रयागराज में अतीक की पत्नी शाइस्ता के खिलाफ लुकआउट नोटिस। गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी। लुकआउट नोटिस की सूचना देश के सभी एयरपोर्ट और इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भेजी गई है। रायबरेली में फंदे से लटका मिला बच्चे का शव। परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। लखनऊ में बीजेपी ने संगठनात्मक जिलाध्यक्षों से मांगी रिपोर्ट। संगठनात्मक जिलाध्यक्षों से मांगी निकाय चुनाव की रिपोर्ट। भीतरघात करने वालों के खिलाफ बीजेपी करेगी कार्रवाई। बुलंदशहर में सड़क हादसा। 37 वर्षीय राजू उर्फ देवेंद्र की सड़क हादसे में हुई मौत। 12 वर्षीय किशोरी हुई घायल। अस्पताल में भर्ती। जौनपुर में दीवानी न्यायालय परिसर में पेशी पर आए कैदी को मारी गई गोली। कोर्ट में पेशी पर आए एक बंदी को बदमाश ने मारी गोली। बदमाश की ओर से हुई फायरिंग में बंदी घायल। लखनऊ में बीजेपी में बागियों की वापसी की तैयारियां हुई तेज। जीत कर आए बागियों को पार्टी में किया जाएगा शामिल। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी घर वापसी की तैयारी।
लखनऊ में नवनिर्वाचित मेयर चेयरमैन की बीजेपी लगाएंगी पाठशाला। एक दिवसीय सम्मेलन कराने की तैयारी में है बीजेपी। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी बनाएगी भगवा माहौल। लखनऊ में हज यात्रियों के लिए बढ़ाई गई अंतिम तिथि। अंतिम किस्त जमा करने की बढ़ाई गई तारीख। 18 मई तक जमा कर सकेंगे चयनित हज यात्री अंतिम किस्त। यूपी सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों को दी राहत। 4% महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की वृद्धि के प्रस्ताव को दी मंजूरी। ये वृद्धि 1 जनवरी 2023 से होगी लागू। लखनऊ में 17 मई से होगी भाजपा की क्षेत्रीय कार्य समिति की बैठक। 6 संगठनात्मक क्षेत्रों की 17 से 19 मई तक बैठक। लोकसभा चुनाव की शुरुआती तैयारियों पर होगा मंथन। लखनऊ में एलडीए में अब हर शनिवार सिंगल टेबल क्लियरेंस डे। फाइलों के निस्तारण के लिए होगा क्लियरेंस डे। हर अनुभाग के अधिकारी होंगे शामिल। सीएम योगी आदित्यनाथ ने की बैठक। बैठक में मुख्यमंत्री योगी ने दिए अहम निर्देश। कहा तहसीलों की कार्य प्रणाली में व्यापक सुधार जरूरी। लखनऊ में खुलेगा इंदिरा ब्रिज। इंदिरा पुल पर 76 दिन बाद शुरू हुआ आवागमन। निषादगंज से आईटी की ओर जाता है इंदिरा ब्रिज। फतेहपुर में सड़क हादसा हुआ है। तेज रफ्तार टैंकर ने ऑटो को मारी टक्कर। हादसे में ऑटो सवार 6 लोग घायल हो गए। अलीगढ़ में तेज रफ्तार का दिखा कहर। हादसे में कई लोग भी हुए घायल। अररिया में बाइक सवारों को पिकअप ने मारी टक्कर। दुर्घटना में 2 की मौत। भीषण गर्मी के दिनों में लोगों को शरबत ने दी राहत। बड़े मंगलवार को शरबत वितरण कार्यक्रम। शाहजहांपुर में बारात में आए मासूम को पिकअप ने कुचला। शादी की खुशियां मातम में बदली। प्रभारी निरीक्षक ने बताया कि पिकअप चालक अजीजगंज का रहने वाला है। जिले की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सच साहस